हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, पुष्पा 2 द रूल इस साल की मोस्ट 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 हाइप्ड मूवी है, क्योंकि इसकी छोटी सी चीज भी जब अपडेट होती है तो सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है, और वो तूफान कल से ही उमड़ उमड़ कर बरस रहा है। भाई साहब, ट्विटर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आज पुष्पा 2 द रूल से रिलेटेड ऐसी बड़ी बिग अपडेट आने वाली है, यानी टीजर अनाउंसमेंट आज हो जाएगा, जिसके लिए पोस्टर आना है आज, और अराउंड शाम के टाइम ही हमें वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये चीज कल से ही अपडेट पर चल रही है, कल से ही ट्रेंड पर चल रही है, जबकि इसके साथ एक और बिग अपडेट, बिग इवेंट आज होने वाला है। क्या अजय देवगन की मोस्ट मच अवेटेड मैदान मूवी का फाइनल ट्रेलर यानी ट्रेलर नंबर 2 आज देखने को मिल जाएगा। लेकिन उस चीज को भाई साहब, ये वाली हाइप जो एक छोटा सा अनाउंसमेंट ही है, क्योंकि टीजर 8th अप्रैल को प्रॉमिस करा जा रहा है, क्योंकि 8th अप्रैल को अपने अल्लू अर्जुन भाई का बर्थडे है और वो बर्थडे गिफ्ट हमें इस हिसाब से देखने को मिलेगा, फिलहाल इसके लिए प्रॉमिसिंग है। लेकिन आज पता लग जाएगा फाइनली कि भाई साहब टीजर की एक्चुअल डेट क्या होने वाली है, एक्चुअल टाइमिंग क्या होने वाली है। तो दैट्स वाई कि कल से ही जबरदस्त ट्रेंड पर चल रहा है, और मैदान का जो आज इवेंट होने वाला है भाई, उसको भी ओवरशैडो करके गया है। मतलब बॉलीवुड में दो बड़े इवेंट होने वाले हैं 10th अप्रैल को, दो मूवी क्लैश कर रही हैं, बड़ी बड़ी मूवी, अजय देवगन की मैदान एंड देन अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ। लेकिन वो हाइप बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी अलग है, पुष्पा 2 द रूल की हाइप बिल्कुल सामने चल रही है, क्योंकि अभी मूवी को आने के लिए कोई जल्दी नहीं है। अगस्त में ही हमें मूवी देखने को मिलेगी, यानी 15th अगस्त को प्रॉमिस करा जा रहा है कि मूवी उस दिन को देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले ही इतनी जबरदस्त ट्रेंडिंग अभी चल रही है, मतलब सोशल मीडिया पर तूफान चल रहा है। मेरे हिसाब से ये पोस्टर कब रिलीज हो सकता है, मतलब अनाउंसमेंट कब हो सकता है, अराउंड शाम के टाइम ही हो सकता है, क्योंकि अभी ये हाइप और बनाएंगे, क्योंकि कल से जबरदस्त हाइप देखने को मिल रही है। जो लग रहा था कि कल रात तक ही ठंडी हो जाएगी, लेकिन भाई सुबह से ही और वो चीज़ जो चिंगारी कल को थी वो अब आग के रूप में बदल चुकी है। तो ये मुझे लग रहा है कि अराउंड आज शाम को 5 बजे के बाद कभी भी ड्रॉप आउट हो जाएगा अनाउंसमेंट कि भाई साहब टीजर इतने दिन, मतलब इतनी तारीख को इतने टाइम पर आ सकता है। तो भाई ये मूवी क्या जाइगेंटिक ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्या मैमोथ ब्लॉकबस्टर होने वाली है? नो डाउट ये मूवी बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी हाइप है भाई, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा था। फर्स्ट पार्ट को जिस हिसाब से प्यार मिला है, फ्लावर नहीं फायर है, मैं झुकेगा। तो वैसा ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में ये कौन सी रेंज पर आने वाली है, क्योंकि हमने अभी पिछले टाइम तक देखा था ब्लॉकबस्टर का है जो टैग लेकर गई हैं वो अपनी अपनी रेंज के हिसाब से लेके गई हैं। लाइक अगर हम साउथ मूवीज की ही बात कर लें तो जेलर जो आई थी लगभग 450 करोड़ का ब्लॉकबस्टर ठोक के गई थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देन उसके बाद लियो मूवी आई थी तो 600 करोड़ के आसपास ठह गई थी। देन उसके बाद सलार मूवी की बात करें जो फुल ईयर हाइप में रही थी, जैसे अभी पुष्पा 2 द रूल हाइप में चल रही है, वैसा 700 करोड़ के आसपास उस मूवी ने बिजनेस किया था। ये था साउथ इंडस्ट्री का जलवा लेकिन पिछले साल तक। लेकिन अगर बात करें कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज लाइक KGF, KGF 2, RRR एंड बाहुबली 2 के भी रिकॉर्ड को क्या ब्रेकडाउन कर जाएगा, क्योंकि KGF 2 लगभग 1500 करोड़ के आसपास बिजनेस करके गई थी। देन RRR की बात करें तो 1350 करोड़। देन बाहुबली 2 की बात करें जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, नंबर 1 पर है, जिसे अभी कोई भी ब्रेकडाउन नहीं कर पाया है। लगभग 1850 करोड़ के आसपास ये मूवी बिजनेस करके गई है। तो क्या इन मूवीज के रिकॉर्ड को भी बीट डाउन कर सकती है? भाई सब जबरदस्त हाइप है, सब कुछ दमदार चल रहा है, फैंस वेट कर रहे हैं, फैंस प्रमोट कर रहे हैं, डाई हार्ड फैन खुद, मतलब मेकर्स की तरफ से उतना एफर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फैंस बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं। तो नो डाउट ये मूवी 2000 करोड़ तक का बिजनेस ठोकने का भी दम रखती है, और पिछले मूवी के हिसाब से इस बार बजट भी काफ़ी हाई है। बॉलीवुड की बात करें कि भाई इनमें से किस मूवी का रिकॉर्ड ये तोड़ सकती है, जहां एनिमल 950 करोड़ के आसपास बिजनेस करके गई थी, पठान 1050 करोड़ के आसपास। देन उसके बाद जवान मूवी की बात करें तो भाई सब 1150 करोड़ के आसपास ये मूवी बिजनेस ठोक के गई थी। देन उसके बाद टाइगर 3 की बात करें तो लगभग 400 करोड़ के आसपास। तो इनमें से किसको तोड़ सकती है भाई साहब? सभी मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करने का पोटेंशियल लगती है ये मूवी। लेकिन भाई साहब यहाँ तक पहुँच गए हो और ऐसी ही अपडेट लगातार चाहते हो, जो छोटी सी छोटी अपडेट आपको मिलती रहे, और भी एनालिसिस एंड प्रिडिक्शंस हम सब मिलकर करेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से और क्या हो सकती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मेरे हिसाब से प्रिडिक्शंस एंड थ्योरीज क्या हो सकती है मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक जरूर करना वीडियो को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी शेयर भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।